नमस्कार, मेरे YouTube चैनल कोर ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री के तरफ से जो योजना निकलती है, मुख्यमंत्री स्कूटी योजना, उसका लाभ आप कैसे उठा सकते हैं, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है इस वीडियो में, या आपको अप्लाई करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, वो सारा जो डॉक्यूमेंट है, डिटेल है, मैं आपको विस्तार में इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल पर, और आप यदि अभी यदि वॉच कर रहे हैं, जो आप डिटेल देख रहे हैं, तो आप पूरी अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें जो डिटेल है ना, जो प्रोसेस है, वो आपको इसी के वीडियो के माध्यम से पूरी कंप्लीट बताई जाएगी। तो ये जो है काली बाई स्कूटी योजना जो बताते हैं, 2023 में अभी आया था कुछ दिन पहले राजस्थान सरकार के द्वारा। तो इसमें आपको अप्लाई करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आपके जो सर्टिफिकेट है, जो मार्कशीट है, उसके बेसिस पे यहाँ पे मिलने वाला है। और उनको कौन किन स्टूडेंट को मिलने वाला है तो मैं आपको बता दूँ कि जो अभी जो स्कूटी योजना निकला था फ्री में, स्कूटी योजना प्रदान करने के लिए ऑनलाइन ही करना पड़ेगा यहाँ पे। और ये काली बाई स्कूटी योजना है वो 2023 में ही चालू की थी सरकार ने, राजस्थान सरकार ने। तो राजस्थान सरकार के बयान में कहा गया था कि इन वर्गों की छात्राओं को जो है, लड़की महिलाएं हैं, उनको राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के उच्च माध्यम अथवा जो परीक्षा में 60% यदि उन्होंने लाया है, या केंद्रीय सेंट्रल बोर्ड में यदि उन्होंने 70% लाया है, तो उनके लिए ये बिल्कुल योजना परफेक्ट है, उनको ही ये योजना का लाभ मिल सकता है। इसके अलावा अनुसार मैं अभी आपको बताऊं कि अब देवन जो नारायण छात्रा स्कूटी वितरण है, उसमें यदि आप वर्क करते हैं तो उसमें सिर्फ 50% ही आपको यदि आपने लाया हो तो आपको यहाँ पे मिल सकता है, इस योजना का लाभ आप उठा सकते हैं। तो आपको बता दूं फ्रेंड कि अब हम बात करेंगे जो 50% बेसिस पे कि देवरा जो देव नारायण छात्रा स्कूटी जो योजना है, वितरण योजना है, उसकी ही बात करेंगे। तो उसमें करना क्या है फ्रेंड आपको, कि सबसे छात्रा को स्कूली के साथ दिया जाता है ये भी, तो एक वर्ष का सामान्य बीमा, मतलब उसमें एक इंश्योरेंस भी होता है कि एक साल तक का आपको मिल सकता है, 5 वर्ष का द्वितीय पक्ष बीमा होता है, एक हेलमेट मिलता है उसमें आपको, 2 लीटर पेट्रोल जो स्कूटी के वितरण के समय एक बार भरा जाता है, उसके बाद नहीं आपको भरा जाता है। खास बात यह है कि यह योजना से मिलने वाली जो फ्री स्कूटी है, रजिस्ट्रेशन के समय 5 वर्ष तक बेचा नहीं जा सकता फ्रेंड। तो आप किसी को ये स्कूटी सेल नहीं कर सकते हैं। जैसा कि यूपी सरकार में आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने एक फ्री में लैपटॉप देना चालू किया था, तो वो था कि आप बेच नहीं सकते किसी को, या उसके अलावा कोई अलग से सॉफ्टवेयर और कोई डिफरेंट चीज़ों को अपडेट नहीं कर सकते उसमें। तो ये यही है कि आपको स्कूटी मिला है तो आप इसको बेच नहीं सकते, जिनके नाम पे अलॉट होगा, जिस छात्रा के नाम पे होगा उनको ही ये मिलेगा। तो 5 साल तक का एक तरह से फ्री हो जाता है इसमें। इसमें करना क्या है कि आपको जब अप्लाई करते हैं तो 12वीं के जो है 12th का मार्कशीट आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। इसके अलावा राजकीय अथवा निजी विद्यालय में नियमित छात्रा के रूप में छात्रा 12वीं में उत्तीर्ण करने का संबंधित संस्थान प्रदान किया जा रही जो जारी प्रमाण पत्र होता है, इस सर्टिफिकेट मिलता है कि आपको आपने यहाँ से पढ़ाई किया है कोई स्कूल या कॉलेज से। 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वर्तमान में जो है महाविद्यालय अथवा कई भी अन्य शिक्षण से संस्थान प्रमाण पत्र यदि आप करते हैं तो वहाँ का भी आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे देना पड़ेगा। आय प्रमाण पत्र आपको जो है 6 माह तक, लास्ट पुराना 6 मंथ तक का देना पड़ेगा। बीपीएल छात्रा है तो बीपीएल कार्ड का भी आपको यहाँ पे सबमिट है, जन आधार कार्ड या आधार कार्ड के प्रति आपको आधार कार्ड का भी डिटेल आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। यदि कोई दिव्यांग छात्रा है तो उनके मेडिकल जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। आवेदन स्वयं के बैंक अकाउंट का पासबुक की फ़ोटो। तो याद रहे फ्रेंड कि जब आप योजना का लाभ उठाने वाले हैं उससे पहले आपके नाम पे एक बैंक अकाउंट भी होना जरूरी है। तो 2-3 चीज़ की मैं आपको बता दूँ, क्लियर कर दूँ कि आपकी तो एक 12th की मार्कशीट होना चाहिए, उसके बाद आधार कार्ड होना चाहिए, बीपीएल होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास, और यदि हैंडीकैप तो उसकी सर्टिफिकेट, और इसके अलावा बैंक का सर्टिफिकेट आपका अकाउंट भी होना चाहिए। अब आपको मैं बता दूं कि अप्लाई कैसे करेंगे। आप देख सकते हैं जो साइड से लिखा हुआ है अभी यहाँ स्क्रीन पे, आप डायरेक्ट sso.rajasthan.gov.in पे जा करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे ही आप इस ऑप्शन को ओपन करते हैं तो आपको देख सकते हैं यह स्क्रीन पे इस तरह का ऑप्शन आ जाता है जहाँ पे लॉगिन रजिस्ट्रेशन लिखा होता है। तो फ्रेंड मैंने अभी फर्स्ट टाइम तक कभी अप्लाई किया है, अभी नहीं किया है इसमें, तो अप्लाई करना है तो मुझे रजिस्ट्रेशन बॉक्स पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन बॉक्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है
कि आप रजिस्टर करेंगे तो जनाधार के ऑप्शन से करेंगे, या आप यहाँ पे देख सकते हैं ओनली फॉर रेजिडेंस ऑफ राजस्थान स्टेट इंडिया, तो ये सिर्फ है कि राजस्थान के जो बिलोंग करते हैं वहाँ पे उनके लिए है ये, अदरवाइज ऑल अदर स्टेट। तो आपको ये गूगल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यदि आप राजस्थान का नहीं है, आप कहीं बाहर का रेजिडेंस सर्टिफिकेट आपका, तो ये आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही इस पे आप क्लिक करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आधार कार्ड सबमिट करना है, तो आधार कार्ड में आपका डिटेल यदि कहीं बाहर का है तो वो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका जो जीमेल है वो गूगल है अकाउंट, वो आपका यहाँ पे दिखना चालू हो जाएगा कि जितने भी अकाउंट आपके होंगे, तो आप जिससे लॉग इन करना चाहते हैं उस पे आप क्लिक कर दें। क्लिक करते हैं आपके पास जो ऑप्शन है वो बन के आ जाएगा कि आपको पासवर्ड डालना है, तो आप उस अकाउंट का पासवर्ड डालें। जैसे ही सबमिट करते हैं, पासवर्ड डालते हैं और एक बार रिफ्रेश करते हैं अपने इनबॉक्स को, तो आपके इनबॉक्स में मतलब जीमेल के इनबॉक्स में इस तरह का पेज और एक मैसेज आएगा राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से। और उसके बाद ये जैसे ही ओपन होता है तो यहाँ पे लिखा हुआ है द पेज यू वेयर इज ट्राइंग टू सेंड यू, तो ये पेज आपको मिला हुआ है। आपको इस जो रजिस्टर लिंक मिलता है, आप रजिस्टर डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन लिंक यहाँ पे मिलता है आपको, ये इस पे क्लिक करेंगे जैसे ही तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको जो यूज़र आईडी है वो यहाँ पे दिखता जाएगा। आपको क्या करना है, इसको लिख करके फ़ोटो खींच करके ज़रूर रखना फ्रेंड। और उसके बाद आपको यहाँ पे आएगा कि आप अपने मन के पासवर्ड डाल सकते हैं जो चॉइस है आपका, तो पासवर्ड यहाँ पे आप डाल दें कंफर्म पासवर्ड पे, फिर वही पासवर्ड आप सेलेक्ट करें, आप अपना मोबाइल नंबर डाल करके रजिस्टर ऑप्शन पे सेलेक्ट कर दें। तो जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये एक पॉपअप बन के आ जाता है, मैसेज बन के आ जाता है कि आपका जो यूज़र आईडी ये है, पासवर्ड आपका पूरी तरह से चेंज हो चुका है, ओके बटन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही ओके बटन पे क्लिक करते हैं फ्रेंड, तो आपके सामने जो है वो पूरी तरह से ये अप्लाई हो जाता है, मतलब सबमिट हो जाता है। तो जैसे ही ये आप जैसे ही ओके बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास जो मेल मैंने दिखाया ना, ये जीमेल पे इस तरह का प्रीवियस रिटर्न टू प्रीवियस पेज पे बैक पे जाएं आप। जैसे ही जाते हैं पेज पे तो आपके जो गवर्नमेंट की तरफ से है, एक तो एक कंफर्मेशन सर्टिफिकेट आपको मिलता है यहाँ पे कि आपका ये जो डिटेल है आपके मेल पे जब जाएगा पीडीएफ फाइल बन के या कन्फर्मेशन मेल में जाके कि आपका ये डिटेल सारा सबमिट हो चुका है, आपके पास ये मिल चुका है कन्फर्मेशन। और गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट भी होगा फ्रेंड इसमें, तो आपको करना है कुछ भी नहीं है, आपको जो मेल जो आपने दिया है, जीमेल आईडी जो आपने दिया है, इसमें आपको ऑलवेज बराबर हर 2-3 दिन के अंदर में एक बार अपडेट या चेक करते रहना है। इससे क्या होगा कि आपके जो डिटेल है गवर्नमेंट की तरफ से जो सबमिट है वो कभी भी आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है, आपको कन्फर्मेशन मिल सकता है मेल पर। तो यदि आप जैसे कि आपने अप्लाई किया है तो याद रहे 2-3 चीज़ जो मैंने आपको बताया है कि जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप उसी मेल आईडी को अप्लाई यूज़ करें जो आप बराबर यूज़ कर रहे हैं, मतलब आपको यूज़ में है वो ईमेल आईडी आप यूज़ करें। ऐसा है कि कभी भी दो चीज़ तो इम्पोर्टेंट है कि जब आप सबमिट कर रहे हैं डिटेल सारी, आधार कार्ड हो या डिटेल जो भी आप सबमिट करते हैं, तो इसमें आपको है कि ज़रूरी इम्पोर्टेंट है कि आपका मोबाइल नंबर इम्पोर्टेंट है और आपका ईमेल आईडी ज़रूरी इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड ये जो आप डिटेल सबमिट करेंगे वो आपके नॉलेज में होना चाहिए, जब आपको सर्टिफिकेट या डिटेल मिल जाएगी तो गवर्नमेंट की तरफ से मेल पे भी कन्फर्मेशन आ जाएगा। तो इससे है कि ये आपको लाभ ये योजना का लाभ मिल सकता है, फ्री स्कूटी मिल सकता है आपका यदि 50% भी यदि आ रहा है। तो आपको सिर्फ सर्च करना है फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हैं देव नारायण छात्रा स्कूटी विवरण वितरण योजना है, ये आप सेलेक्ट करता है आपको कुछ नहीं। यदि आपके 50% मार्क्स हैं आने वाले दिनों में, बहुत सारा एग्जाम चल रहा है अभी 12th के बेसिस पे, तो हर जगह स्टेट में चल रहे हैं, तो आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं यदि आप राजस्थान सरकार का यदि कोई 12th बेसिस पे दिया है आपने एग्जाम, और यहाँ पे देख सकते हैं गूगल सर्च करें तो अदर स्टेट के लिए भी यहाँ पे इंक्लूडेड है, तो यहाँ से भी आप अप्लाई करके जीमेल आईडी पे भी करके आप इसको मतलब पा सकते हैं इस योजना का लाभ। तो फ्रेंड जो वीडियो मैंने बनाया था पूरे कंपाइल करके इस इन्फॉर्मेशन बेसिस पे, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड। फ्रेंड मैं एक और इम्पोर्टेंट नोट इन्फॉर्मेशन बताना चाह रहा हूँ कि जो भी आईडी और पासवर्ड आपका फर्स्ट टाइम बनता है, प्लीज़ आप अपने पेपर में कोई भी नोट में लिख लें, आप अपने जीमेल आईडी पे मेल पे खुद फॉरवर्ड करके रखें, ताकि इन द फ्यूचर में जब आपको लॉगिन करना पड़े आईडी पासवर्ड की ज़रूरत पड़े तो आपको वहाँ से मिल सकता है फ्रेंड।
वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड में जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।